चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे नॉर्मैलिटी की तरफ चलते हैं। और ये आपका है नॉर्मैलिटी कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए नॉर्मैलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या चल रहा है हम लोगों का, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी, फिर हमने पढ़ा मोलैलिटी, फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मैलिटी, यानी ये पांचवें नंबर का टॉपिक होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों? ये फाइव नंबर का टॉपिक होगा नॉर्मैलिटी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, अब क्या पढ़ रहे हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है देखिए, न्यूमरेटर में क्या रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर ये चीज आपके लिए नया है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि जब आप मोलैरिटी निकालते थे तो मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करते थे, मोलैरिटी जब आप निकालते थे तो आप लेते थे, यहां लिखना ठीक नहीं है, ठीक है देखते हैं। देखिए तो जरा, जब आप मोलैरिटी निकालते थे तो क्या करते थे, मोलैरिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज में लेते थे, लीटर में। तो यहां का क्या आता था मोल और यहां का क्या आता था लीटर, और इसीलिए मोलैरिटी का यूनिट होता था मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता था, मोल पर लीटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे और नॉर्मैलिटी को एन से करेंगे, कैपिटल एन से। नॉर्मैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपके लिए नया है, अभी सिखाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या चीज में यहां पर भी लेना है, लीटर में लेना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब मोलैरिटी में यहां मोल था और यहां लीटर था तो यूनिट हुआ मोल पर लीटर, इसका यूनिट हुआ मोल पर लीटर। तो यहां पर मोल की जगह पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है, लीटर, यानी नॉर्मैलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ एन। जैसे मोलैरिटी को हम लोग क्या कहते थे, एम कहते थे, वैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल एन से भी हम नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि नॉर्मैलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोल निकालना तो सर हमको आता है, मास बाई मोलर मास, आते हैं पीछे। देखिए जरा इसका डेफिनेशन क्या है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करिए आप लोग। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, इसका यूनिट क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पहला चीज, एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव कि यूनिट ऑफ नॉर्मैलिटी क्या होगा, तो जवाब होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या कैपिटल एन। दूसरा चीज, क्या नॉर्मैलिटी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज करने से नॉर्मैलिटी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो इसके फॉर्मूला में कहीं टेम्परेचर तो डायरेक्ट नहीं है, पर फॉर्मूला में वॉल्यूम है कि नहीं है, है। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मैलिटी भी चेंज होगा। याद करो ना, मोलैरिटी में बताए थे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन द मोलैरिटी गेट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां पर भी वही बात है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नॉर्मैलिटी भी क्या होगा, घटेगा। यानी टेम्परेचर चेंज करने से नॉर्मैलिटी भी चेंज होगा और मोलैरिटी भी चेंज होगा,
मोलैलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है तो क्या है, उसमें मास है, और टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता है। तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम दिखाई दे, समझ जाइएगा कि टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज होगा। अगर फॉर्मूला में टेम्परेचर नहीं है, फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो दो ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का दो तरीका है, लेकिन पहले हम नॉर्मल बेसिक मेथड बताते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट जब तक निकालने नहीं जानेंगे आप, तब तक नॉर्मेलिटी का सवाल नहीं बनेगा आपसे। चलिए तो आते हैं कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं। एक बात समझिए, सबसे पहले जब आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, डिवाइडेड बाई, यहां सॉल्वेंट का कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में लेना है, लीटर में। अब जब नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहां आकर फंस रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी निकालना हो किसी भी चीज का, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के हिसाब से ही बात करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्या होता है, मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो यहां पर मास किसका लेंगे, जाहिर सी बात है भाई जिसकी शादी होगी वही दूल्हा बनेगा और दुल्हन भी उसी की होगी। इसका मतलब अगर सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो मास किसका लेंगे, सॉल्यूट का, और इक्विवेलेंट मास भी किसका लेंगे बच्चों, तो इक्विवेलेंट मास भी सॉल्यूट का ही लेंगे। सर ये तो ठीक है मास, फिर फंस गए सर, इक्विवेलेंट मास तो हमको आता नहीं है निकालने। तो देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। इस वैलेंसी को एन फैक्टर भी कहा जाता है, वैलेंसी को क्या कहा जाता है, एन फैक्टर भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो तो सबसे पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, मास बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाई वैलेंसी या एन फैक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसी या एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वैलेंसी निकालने नहीं जानेंगे तब तक आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे, और जब इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे तो आप नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे। यानी सारा खेल जो है वो नॉर्मेलिटी के लिए, सारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं, इसको पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, इसके बाद आपको हम सिखाते हैं हाउ टू फाइंड वैलेंसी, क्योंकि जब तक आप वैलेंसी निकालना नहीं सीखेंगे आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे, जब इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। कॉपी करिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। अब मैं चल रहा हूं आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल है हाउ टू फाइंड वैलेंसी, किसी भी चीज का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है एन फैक्टर, भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है कि वैलेंसी या एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड क्या होता है विच लिबरेट एच प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है, विच लिबरेट एच प्लस आयन, जो एच प्लस आयन का त्याग करे वो एसिड कहलाता है। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, एसिड का अगर एन फैक्टर देखना है या इसका वैलेंसी देखना है
तो इसको देखने के लिए क्या देखना चाहिए कि वो नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितना लिबरेट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन का त्याग कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी कही जाएगी। नहीं समझे सर? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास क्या है, HCl है, तो HCl एक एसिड है, टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये जो HCl टूटा तो वो कितना H प्लस लिबरेट किया, एक वन किया, यानी हम कहेंगे कि HCl की जो वैलेंसी है या n फैक्टर है वो क्या है, वन है। एसिड को बेसिसिटी कहते हैं, एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी भी कह सकते हैं, और बेस के वैलेंसी को एसिडिटी कहा जाता है, अभी आगे पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में। फिलहाल अब अगर मान लो आपके पास क्या है, H2SO4 दूसरा एसिड है, जब ये टूटेगा तो क्या देगा भाई, 2H+, और साथ में क्या होगा, SO4 2-। सर यही तो नहीं जानते हैं सर, आप यहां 2- कैसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस तो आएगा, तो दो हाइड्रोजन पर कितना प्लस, 2+। इस 2+ को न्यूट्रल करने के लिए कितना माइनस होना पड़ेगा SO4 पे, 2-। यानी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर H2SO4 कितना H+ का त्याग किया, 2H+ लिबरेट किया, तो हम कहेंगे यहां H2SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2। इसी प्रकार हम लेते हैं H3PO4 लेते हैं, H3PO4 जब टूटेगा तो क्या टूटेगा भाई, 3H+, प्लस क्या हो जाएगा, PO4 पर क्या हो जाएगा, 3-। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो तीन हाइड्रोजन पर 3+, उसको सेटिस्फाई करने के लिए PO4 पर 3-। तो यहां H3PO4 जो है वो 3H+ को त्याग कर रहा है, यानी हम कहेंगे कि यहां H3PO4 की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा सर समझ गए, ऐसे निकालना था, हाँ ठीक समझे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, H3PO3 है, तो बताइए कि यह कितना H+ का त्याग करेगा, तो ये त्याग करेगा 2H+ प्लस HPO3 2-। सर यहां तीन हाइड्रोजन है, आप यहां 2H+ लिख रहे हैं, सर लगता है गलत लिख रहे हैं, सर नशा करके बैठे हुए हैं, सर नशा नहीं किए भाई, यही एग्जाम में क्वेश्चन आना है H3PO3, और ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। बस सर इसी में मूड खराब मेरा हो जाता है, ठीक सीख रहे थे, अब आप नया लॉजिक लगा दिए, यहां पर जब एक हाइड्रोजन था तो एक दे रहा था, दो था तो दो दे रहा था, तीन था तीन दे रहा था, फिर यहां तीन था दो कैसे दे दिया सर। एक्चुअल में इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि पहले स्ट्रक्चर जो है वो क्या है इसका, कैसे H+ लूज, रटना नहीं है समझना है कि कैसे वो H+ लूज करता है। पहले समझिए ध्यान से, जरा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, पहले हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। H3PO4 की बात, वैसे हम लोगों को पी ब्लॉक में पढ़ना है H3PO4 का, सबका स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन पहले आपको बता दें कि H3PO4 में फास्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटम जो बीच में रहता है और बाकी के एटम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, तो जो सेंटर में रहता है उसको क्या कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं। यहां पर जो है फास्फोरस की संख्या सबसे कम है, इसीलिए फास्फोरस सेंट्रल एटम है। पढ़े हैं होंगे आप लोग क्लास 11th में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जिस एटम की संख्या सबसे कम होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, वो सेंट्रल एटम होता है। आपने वहां ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप इतना समझ लो कि H3PO4 में फॉस्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम है। अब फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन हमेशा एक डबल बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन हमेशा एक डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन दो बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2.6, आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो दो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो डबल बॉन्ड बनाए चाहे सिंगल सिंगल दो बॉन्ड बनाए, पर ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि दो का जरूरत है उसको। अच्छा एक बात आपने यहां यह भी पढ़ा होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कि सेंट्रल एटम डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, सेंट्रल एटम फॉलो कोवैलेंसी। सेंट्रल एटम के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो यह आवश्यक नहीं है, उसके बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फास्फोरस जो है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आएगा 15, 2.8.5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तीन घट रहा है, कायदे से तीन बॉन्ड बनाना चाहिए, पर फास्फोरस यहां पर सेंट्रल एटम की भूमिका में है तो वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी कोवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है। कोवैलेंसी क्या होता है सर, तो बता चुके हैं कोवैलेंसी का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें से वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बॉन्ड बनाने में भाग ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर के रूप में रखता है।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज लोन पेयर, उसी को कहते हैं कोवैलेंसी। नहीं समझ में आया तो क्लास 11th का लेक्चर जाके देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का, वहां पे आपको समझाया गया है कोवैलेंसी क्या होता है। अब देखिए फास्फोरस यहां पर 5 बॉन्ड बनाना है तो 2 बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन के साथ, बचे 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना है 4, खपत कितना हुआ है 1, बचे कितने 3, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड। अब देखो इस प्रकार फास्फोरस ने 5 बॉन्ड अपने पूरे कर लिए, अब ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, तो ये जिसके साथ भी रहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने दे दिया ऑक्सीजन को, तो यहां पर ये हाइड्रोजन क्या बनकर बाहर निकल जाएगा बताइए, ये हाइड्रोजन क्या बनकर बाहर निकल जाएगा H+ बनकर बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी क्या होगा H+ बनकर बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन भी क्या बनकर बाहर निकलेगा H+ बनकर बाहर निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस, इस पे माइनस इस पे माइनस, टोटल कितना माइनस हुआ, तीनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस आ गया, 3 माइनस हुआ, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा PO4 3 माइनस। PO4 ऑक्सीजन कितना है 4 और लेकिन माइनस 3 ही पर ना आ रहा है, इस पर तो नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लिखा PO4 3 माइनस। और 3 हाइड्रोजन 3 H+ बनकर बाहर निकला है, इसीलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि H3PO4 की जो वैलेंसी है वो कितनी है 3 है। अब अगर हम बात करें H3PO इसकी बात करें, ये तो ठीक है समझ में आ गया सर, अगर H3PO3 की बात करें तो इसी प्रकार H3PO3 का स्ट्रक्चर बनेगा, तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन रहेगा, उसके बाद देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितना है 3 है, इसका बना रहे नीचे वाले का बना रहे, किसका H3PO3 का बना रहे हैं, तो जब H3PO3 का बना रहे हैं तो ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन तो यहां खपत हो गया ऊपर में, बचे कितने ऑक्सीजन 2, तो एक ऑक्सीजन यहां एक ऑक्सीजन यहां और हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बताइए तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कहीं पर फास्फोरस है, जवाब है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यानी कि फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन के इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में कैपेबल नहीं है, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये तो धोखेबाज है, ये क्या करेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगे, तो ये हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर होगा और ये हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन जो फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो फास्फोरस से जुड़ा है, तो क्या हुआ फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को नहीं देगा और इस प्रकार हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर नहीं होगा। यानी देखने में यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है ऊपर वाले की तरह, लेकिन एक हाइड्रोजन यहां फास्फोरस से जुड़ा है, यानी सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर निकलेगा और इसीलिए H3PO3 का वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया, तो हम लिखेंगे कि यहां जो इसकी वैलेंसी है वो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। भाई साहब नहीं समझ पाए, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब जैसे चल रहा है चलेगा, बाकी कभी भी अगर आ जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास आ गया H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाने आ गया, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भाई कैसे कैसे सेट करना है, कितना H+ देगा। अब आप यहां देखिए 3 हाइड्रोजन है पर यहां एक ही H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड में जाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन ऐसा होगा ना जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यानी ये क्या देगा H+ प्लस क्या हो जाएगा H2PO2 माइनस, और इसकी वैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं बेस के लिए, बारे में देखते हैं कि बेस का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। हमने क्या कहा बच्चों कि एसिड के वैलेंसी को हम लोग एन फैक्टर भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेसिसिटी, यहां लिखना ठीक नहीं होगा, वो एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी कहा जाता है,
एसिड के वैलेंसी को क्या कहा जाता है? बेसिसिटी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एसिड के स्ट्रेंथ को एसिडिटी नहीं बेसिसिटी कहा जाता है। उसी प्रकार बेस के स्ट्रेंथ को एसिडिटी कहा जाता है। चलते हैं आगे, इसे कॉपी कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, कॉपी करें इसको फटाफट, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछेंगे। नाउ आगे चलते हैं, अब हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बेस। बेस क्या होता है? विच लिबरेट OH माइनस। बेस उसको कहते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करता है, जो OH माइनस आयन का त्याग करता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? बेस कहते हैं। अच्छा, बेस के बारे में क्या देखना है कि ये कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन लिबरेट करता है, कितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन लिबरेट करेगा, इसी को क्या कहेंगे? वैलेंसी, या इसी को क्या कहेंगे? एन फैक्टर, या इसी को क्या कहेंगे? एसिडिटी। किसका? बेस का। किसका जी? बेस का। तो बेस के स्ट्रेंथ को वैलेंसी, एन फैक्टर या एसिडिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा तो क्या होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। कितना OH माइनस का त्याग किया? एक OH माइनस का त्याग किया, तो हम कहेंगे भाई इसकी जो वैलेंसी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वह 1 है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या देगा? कैल्शियम पे 2 प्लस होगा। भाई कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है यार, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 का है, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो ना, कैल्शियम 20 है, 2.8.8.2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए कैल्शियम पर 2 प्लस, और साथ में क्या आएगा? 2 OH माइनस। तो हम कहेंगे कि यहां जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है जी? 2 है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक और ले लें, AlOH थ्राइस है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? 3 OH माइनस। यहां कितना OH माइनस है जी? 3। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो बेस का वैलेंसी ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर कभी साल्ट का वैलेंसी निकालना है, साल्ट क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस दोनों आयन प्रेजेंट होता है, तो साल्ट का वैलेंसी कभी निकालना हो तो देखना है चार्ज ऑन केटायन। क्या देखना है? चार्ज ऑन केटायन। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन पर कितना चार्ज है वो देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। यहां Na प्लस पर कितना प्लस चार्ज है? एक प्लस है, तो हम बोलेंगे कि NaCl का जो वैलेंसी है वो कितना है? 1 है। इसी प्रकार मान लीजिए MgCl2 है, इसी प्रकार यहां जगह नहीं है, चलो समझ जाओगे आप, MgCl2 है तो MgCl2 के लिए क्या होगा? जब टूटेगा तो क्या देगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहां इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम पर देखो कितना प्लस चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी प्रकार अगर मान लो भाई साहब AlCl3 होता, क्या होता? AlCl3, टूटेगा तो क्या देगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। यहां एल्यूमिनियम पर कितना प्लस चार्ज है? 3 प्लस, यानी हम कहेंगे कि AlCl3 की वैलेंसी कितनी है जी? 3 है। समझ में आया किसी एसिड का, बेस का या साल्ट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एसिड के बारे में देखना है कि वो कितना एच प्लस का त्याग कर रहा है, बेस के बारे में देखना है कि वो कितना OH माइनस का त्याग कर रहा है, साल्ट के बारे में देखना है कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक आयन है, उस मेटालिक आयन पर कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी 1, दो पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी 2। अगर आयन पर प्लस चार्ज की संख्या 3 है तो हम कहेंगे कि उसका वैलेंसी कितना है? 3 है। तो इस प्रकार बेस का, इस प्रकार साल्ट की वैलेंसी निकाली जाती है। अब जब वैलेंसी निकालना सीख गए, अब पीछे आते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, अब पीछे आते हैं। देखिए अब आप देखो, अब आपने वैलेंसी निकालना सीख गया ना बच्चों, मोलर मास तो निकालने हम बचपन से जानते हैं, तो मोलर मास आता है, वैलेंसी आता है, तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। जब इक्विवेलेंट मास निकालने आता है, मास दिया रहेगा और ये तो निकालने आ ही गया इक्विवेलेंट मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो भाई नॉर्मैलिटी निकल जाएगा। लेकिन इतना लंबा मेहनत करके, इतना लंबा मेथड से आपको नॉर्मैलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मैलिटी इसी, इतना सारा चीज को हम एक लाइन में शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में सवाल बनाएंगे। ये नहीं कि साला पहले ये वैलेंसी लगा के पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, उतना देर में दूसरा बच्चा 3-4 क्वेश्चन बना के आपसे आगे निकल चुका होगा।
ऑब्जेक्टिव सवाल बेसिक होगा यहां से। तो कैसे हम क्वेश्चन को बनाए, बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो इसका शॉर्टकट निकालना चाहते हैं, सबको नोट डाउन करते जाएंगे, ये नहीं खाली कहानी सुन रहे, भजन चल रहा है बस सुनते जा रहे हैं, नोट कॉपी में नोट्स नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा फिर आप, आपको कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बंद कीजिए आप, जाइए आराम सोइए आप, जब पढ़ने का मन कर तब पढ़िएगा, जबरदस्ती ये टाइम पास मत कीजिए कि बस खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बॉलीवुड का मूवी चल नहीं रहा है कि एकदम दिमाग में आपका सेट होता जाएगा ना ये सब चीज। देखिए तो नॉर्मैलिटी निकालने शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, डब्ल्यू बी बाई ई बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी एम एल, इस फॉर्मूला से आप एक लाइन में ही नॉर्मैलिटी निकालेंगे, जहां पर नोट करके उसको कहीं लिख लीजिएगा, नोट करके वेयर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू मतलब क्या बताए हैं मास, और बी मतलब क्या बताए हैं सॉल्यूट, ई बी का मतलब क्या है भाई, ई का मतलब है इक्विवेलेंट मास, ई का मतलब क्या है इक्विवेलेंट मास, और बी का मतलब क्या बताया गया है सॉल्यूट, और आप सभी जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है जी, तो जो अगर आपके पास मोलर मास है उसको डिवाइड कर देना है वैलेंसी से, मोलर मास क्या होता है बता चुके हैं एमबी में, अरे वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, बताए थे मोलैरिटी में, यहां पर क्या है वहां वर्किंग मशीन था, यहां वर्किंग इंजन है, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, इससे क्या निकल जाएगा नॉर्मैलिटी निकल जाएगा, इंजन क्या है इक्विवेलेंट मास, वहां पर मास बाई मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स देता था, और यहां पर मास बाई इक्विवेलेंट मास क्या दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, यानी ये जो आपने लिखा है डब्ल्यू ई बाई ई बी ये आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, किसका बी का, बी मतलब क्या होता है सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है, तो यहां पे वहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहता था इसलिए मास बाई मोलर मास लेते थे, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है इसलिए मास बाई इक्विवेलेंट मास ले रहे हैं, तो कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल जैसे मास बाई मोलर मास होता था वैसे मास बाई इक्विवेलेंट मास से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है तो मोलर मास बाई वैलेंसी, अभी क्वेश्चन कराएंगे बेटर समझ में आएगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने आप समझ में आती हैं, ज्यादा एफर्ट लगाइएगा तो नहीं होता है, कभी कभी अपने आप समझ में आ जाता है, दो मिनट धैर्य तो रखो अभी सब समझ में आएगा। अब उसी प्रकार क्या है आपके पास वी एम एल, क्या है वी एम एल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी एम एल का मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज में लेना है एम एल में, परंतु आंसर क्या चीज में आएगा लीटर में, क्यों यहां 1000 कन्वर्टर लगा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा कैपिटल एन खाली लिख देंगे आंसर हो जाएगा, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख देंगे आंसर हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी ई बी वी एम एल पता चल गया, और एन का मतलब क्या बताया गया भाई, तो एन का मतलब तो नॉर्मैलिटी होता है पता ही है कि एन क्या है आपके पास नॉर्मैलिटी है, एन क्या है नॉर्मैलिटी है, ठीक है जी, तो इसको लिखे कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बार बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो हमने इतना लंबा लिखा है ये जो इतना लंबा स्टेप कराए हैं इसी को हम एक लाइन में एक फॉर्मूला में हम आपको क्या कर दिए रिड्यूस कर दिए, इतना सारा चीज निकालने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, कैसे आएगा कैसे आएगा, तो भाई ऐसे आएगा वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, डायरेक्ट लगाइए आपका डायरेक्ट नॉर्मैलिटी बनकर तैयार है। क्वेश्चन करके दिखाते हैं बेटर समझ में आने के लिए, सवाल पर आते हैं, देखिए इसको कॉपी करिए फटाफट पहले फिर आगे बात करेंगे। अभी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, हाँ रुको, जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, जरा सोचिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया है
भी एमएल आपको दे दिया है 250 ml, और इसमें सॉल्यूट का मास भी दे दिया, देखो बेटा H2SO4WB भी आपको दे दिया है, और H2SO4 का फॉर्मूला दे दिया, माने मोलर मास का भी जुगाड़ हो गया है, देख रहे हो, WB मिल गया, MB मिल गया, VML मिल गया, वर्किंग मशीन बिमला सब मिल गया, तो मोलैरिटी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी रेस्पेक्टिवली आर, कोई बात नहीं, पहला आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML। WB का मतलब क्या है, सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट यहां पर क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 क्या है यहां पर, सॉल्यूट है भाई, H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि H2SO4 और वाटर को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अब H2SO4 क्या होगा, कम मात्रा में है तो यह सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो भाई H2SO4 का मास दिया है, देखो तो 24.5 दिया हुआ है, तो 24.5 मास, H2SO4 का मोलर मास कितना, H2SO4 का मोलर मास 98 into 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 ml, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा इसका, 24.5 का टेबल मुझे लगता है 24 × 96 होता है ना, यानी चार बार पढ़ेंगे तो 98 कटेगा, 250 का पहाड़ा कितना बार, चार बार, तो हजार चार चार कट गया, क्या आ गया 1 m, मोलैरिटी तो भाई साहब 1 m आया है, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, ये ऑप्शन सही नहीं टाइप किया है इसने, गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन ठीक है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन पर मत जाइए आप, क्योंकि यहां दो चीज निकालने बोला है तो दो ऑप्शन होना चाहिए था ना, तो दो ऑप्शन तो दिया नहीं है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, जहां WB का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और H2SO4 यहां पर सॉल्यूट है, और उसका मास कितना है 24.5, तो हमने यहां लिया 24.5। नीचे क्या है, MB, MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी निकालने का यही फॉर्मूला बताया है यार, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, तो मशीन क्या है, मोलर मास ऑफ, अब H2SO4 का मोलर मास तुमको नहीं निकालने आता है तो क्या कर रहे हो यहां पर, तुम 12th का लेक्चर क्यों देख रहे हो, तुमको मोलर मास पहला ही लेक्चर में आपको बता चुके हैं हम, अब तुमको मोलर मास नहीं निकालने आएगा तो हम क्या करेंगे बताइए, कब हम छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे तो आगे कब पढ़ाएंगे, इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है कहां से सीखेंगे, जब आप मोलर मास में ही उलझे हुए हैं, तो H2SO4 का जाके पीछे का लेक्चर देखिए, H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में ट्यूशन क्लास कुछ नहीं करते हैं, बस होते हैं इंस्टाग्राम में खाली रील शेयर करते हैं, इसको उसको मैसेज स्टेटस डालते हैं, देखते हैं कौन कौन देखा कौन नहीं देखा काहे नहीं देखा, यही सब में उलझा के 11th खत्म कर देता है, और 12th में फिर आता है ट्यूशन करने, और कुछ नहीं आता है उसको, उसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोलिए आए का होता है, उसको यही नहीं पता है कुछ भी बिल्कुल, कौन कौन से चैप्टर का नाम है क्लास 11th में वो भी नहीं पता, बेकार साइंस ले लिया वो, अरे साइंस अब तुम्हारा लेगा भाई, तुम आर्ट्स के लायक भी नहीं थे, कॉमर्स के लायक भी नहीं थे, तुम गलती साइंस ले लिए, पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, इसमें बहुत ताकत है दोस्त, इसको समझिए आप, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बाद में लेट हो जाएगा बहुत, जब तक आप समझेंगे तब तक, यह आपकी स्थिति को बदल सकता है, इसमें इतनी ताकत है। बहुत लोग कहता है कि पढ़ के कोई राजा बना है, कैसे नहीं बना है, पढ़ के लोग भगवान बन जाता है, तुम राजा की बात कर रहे हो, पढ़ के लोग डॉक्टर बन जाते हैं, अगर आप गरीब हैं आपके माता पिता बीमार हो जाएं, कभी ईश्वर ना करे ऐसा हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो डॉक्टर के पास अगर आकर के आपका इलाज कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या रात के 1 बजे आकर के आपकी माँ परेशान है दर्द से करा रही है, पिताजी परेशान है आप नहीं बचेंगे, वो डॉक्टर आकर के छोटा सा टैबलेट दे करके छोटा ऑपरेशन करके वो आपके पेरेंट्स को बचा लेता है अगर, तो वो आपके लिए भगवान ही है, भगवान से कम नहीं है, शायद उससे ऊपर भी है। तो कहने का मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं कि पढ़ लिख कर कोई राजा नहीं, पढ़ लिख कर लोग भगवान बनते हैं, और वो बेटा जो पढ़ लिख करके अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है वो भगवान से कम नहीं होता है, वो समाज के लिए धब्बा नहीं है, वो भगवान ही है सोसाइटी के लिए, कि वो पीसफुल लाइफ जी रहा है और सोसाइटी को पीस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं कर रहा है वो, खाली यहां उर्सुलाइन छुट्टी हुआ चलो रे, वीमेन्स छुट्टी हुआ चलो रे, टाइम हो गया थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दें,
ज्यादा कोई आपको दूसरा कोई कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो आप स्वयं है, बाकी सब कोई आपको यूट्यूब यूट्यूब कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी भाई साहब कि मुझे कुछ करना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलो देखो अब नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं। नॉर्मैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई ई बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी एम एल। डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी बता चुके हैं मास ऑफ सॉल्यूट, यहां H2SO4 सॉल्यूट है उसका मास कितना 24.5। और ई बी कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास, ई बी का मतलब अभी तुरंत बताए हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं जी, मोलर मास बाई वैलेंसी निकालते हैं कि नहीं। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं। ईबी निकालने का फॉर्मूला होता है एम बी बाई एन फैक्टर, बोलो ना होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इक्विवेलेंट मास ऐसे ही तो निकालते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर। बताइए H2SO4 का मोलर मास कितना 98। बताइए H2SO4 का वैलेंसी कितना, अभी तुरंत ना बताए कि H2SO4 कितना H+ का त्याग करेगा। H2SO4 कितना H+ का त्याग करेगा जी, 2H+ का त्याग करेगा। इसका वैलेंसी कितना है 2, उसको डिवाइड कर देना है ना वैलेंसी से, उसको क्या कर देना है वैलेंसी से डिवाइड कर देना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी एम एल। वी एम एल कितना 250। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 24.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 98, सब कटेगा आसानी से, 1000 डिवाइडेड बाई क्या 250। बताइए क्या होगा, ये हमने कहा कि चार बार में कट रहा है, दो का पहाड़ा दो बार में, 250 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे, 2 × 4 यानी 2n, यानी नॉर्मैलिटी क्या निकल के आया 2n और मोलैरिटी क्या निकल के आया 1m। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब तुमसे अगर तुम लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उतना देर में कहानी खत्म है तुम्हारा। अब नॉर्मैलिटी निकालने के लिए पहले तुम वैलेंसी निकालोगे, फिर मोलर मास निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट मास निकालोगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, तब नॉर्मैलिटी निकालोगे, तो कहानी खत्म ही है ना तुम्हारा। डायरेक्ट एक लाइन में याद रखना है, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला। डायरेक्ट इंजन कैसे निकालना है, तो मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। बाकी डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, वहां से क्वेश्चन जाके सॉल्व करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको पीडीएफ गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, वहां से वो सॉल्व करेंगे। सीबीएसई का अलग डीपीपी है, स्टेट बोर्ड का अलग डीपीपी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद कॉपी करें इसको, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे सर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अब नॉर्मैलिटी निकालने का दो तरीका बताया गया है, जरा वापस आइए थोड़ा सा देखिए। जरा नॉर्मैलिटी निकालने का एक फॉर्मूला और बताया गया, मेथड टू, यहां क्या लिखा हुआ है मेथड टू, ये तो मेथड वन हो गया, मेथड टू से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना मोलैरिटी दिया रहेगा आपको, और वैलेंसी तो आपको निकालने आता ही है, तो डायरेक्ट मोलैरिटी को वैलेंसी से गुना कर देंगे ना, तब भी नॉर्मैलिटी निकल कर आता है। ये आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला को ध्यान से विजुअलाइज करेंगे ना, अगर आप में समझदारी होगा तो आप देख के समझ जाएंगे। जो हमने वहां फॉर्मूला लिखा है मास वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, अभी जो क्वेश्चन कराए उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही पाएंगे कि अच्छा मोलैरिटी को खाली वैलेंसी से गुना कर देना है, तब भी नॉर्मैलिटी निकल कर आ जाएगा। यानी एक बात याद रखिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी दिया है तो हम मोलैरिटी से नॉर्मैलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो नॉर्मैलिटी इससे जैक बोर्ड में स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी यानी कि एन फैक्टर। देखो कैसे निकालेंगे, यहां से क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला तुम देखो अभी, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा क्या कहता है, द नॉर्मैलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज, एक सॉल्यूशन दिया है आपको फॉस्फोरस एसिड का सॉल्यूशन दिया है और उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है
एक सॉल्यूशन दिया है H3PO3 का और उसका मोलैरिटी दिया हुआ है। सर आप कैसे जान गए सर कि मोलैरिटी दिया है? यहां कैपिटल M लिखा है ना प्यारे, तो कैपिटल M तो मोलैरिटी का यूनिट होता है ना, तो मोलैरिटी दिया है। और यहां H3PO3 से आप वैलेंसी निकाल लेंगे, अभी तुरंत बताए ना H3PO3 का वैलेंसी, जरा देखो तो जरा, एक्सेप्शन बोले थे एग्जाम में वही आएगा। देखिए जरा अभी हमने क्या कहा, यहां पे टिक भी मैं किया हूं, मैं बोला एग्जाम में यही आएगा। H3PO3 की जो वैलेंसी है, H3PO3 की वैलेंसी क्या है? 2 है। कितनी वैलेंसी है? देखने में लग रहा है 3 हाइड्रोजन है, पर यहां 3 हाइड्रोजन नहीं होता है। हम स्ट्रक्चर बना करके भी समझाए हैं H3PO3 का, और इसकी वैलेंसी देखने में 3 लगती है पर होती नहीं 3 है, 2 होती है। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बच्चे यही गलती करते हैं और इसीलिए एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक इसी की होती है। यानी H3PO3 की जो वैलेंसी है बच्चों वो क्या है प्यारे? 2 है। चलिए तो वैलेंसी H3PO3 का 2 समझ में आपको आ गया है, यानी इसका वैलेंसी कितना होता है? 2। और इसका मोलैरिटी कितना दे दिया है बाबू? इसका मोलैरिटी दिया है 0.3 m। और क्या निकालने बोला है प्यारे? नॉर्मैलिटी। तो अभी तुरंत आपने क्या फॉर्मूला सीखा है कि नॉर्मैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। मोलैरिटी कितना है? 0.3। वैलेंसी कितना है? 2। क्या हो जाएगा? 0.6 n। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन हाँ अगर तुम नॉर्मैलिटी पढ़ के जाओगे तब नहीं क्वेश्चन बनेगा। अब तुम नॉर्मैलिटी पढ़ के ही नहीं गए हो, एग्जाम के एक रात पढ़ने वाले हो तुम, वन नाइट फाइट। तो वन नाइट फाइट में गड़बड़ा जाएगा बाबू कहानी, हर चीज वन नाइट फाइट में तुम नहीं कर सकते हैं आप। तो वन नाइट फाइट नहीं होता है, थोड़ा 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 करके ही डेली डेली मेहनत करिएगा, ईमानदारी से 1-2 घंटा भी अगर पढ़िएगा तो बहुत परिवर्तन अपने आप में आपको देखने को मिलेगा। ये खेत में कुदाल चलाने का काम नहीं है या कपड़ा धोने का काम नहीं है कि 3 घंटा बाद काम करेंगे तो दिखेगा कितना काम हुआ है। आप 5 घंटा भी बैठकर पढ़ेंगे तो दिखाई नहीं देगा ये कि आपने क्या किया है, तुरंत इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, धीरे 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 इसका रिजल्ट आपको अल्टीमेटली आप देखने को मिलेगा। ओके चलिए आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट चलते हैं। तो नॉर्मैलिटी से हो गया क्वेश्चन, एक टाइप बता दिए, वर्किंग इंजन 1000 में देगी विमला, एक ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी।